अलवर जिले की 6 नगर पालिकाओं के 11 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपने अपने बोर्ड बनाने के दावे कर रहे हैं। 23 तारीख को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीसीसी की तरफ से निकाय चुनाव प्रभारी बनाए गए पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व विधायक मुकेश भाकर आज अलवर पहुंचे और कांग्रेस विधायकों व पूर्व विधायकों से निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने दावा किया कि जिले की 6 नगर पालिकाओं में कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। देखिए, हमने चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया जारी है। लगातार हमारे ब्लॉक की तरफ से मीटिंगें हो चुकी हैं, फिर जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमने प्रभारी लगाए हैं उनकी तरफ से मीटिंगें हो गई हैं और अब पीसीसी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और मुकेश भाकर जी विधायक साहब वो हमारे पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। उन्होंने भी आज मीटिंग ली है जिला स्तर पर और परसों तक हम इसको पूरा चॉकआउट कर देंगे। एकदम क्लियर सारी स्थिति तस्वीर सामने आ जाएगी और 6 की 6 जगह कांग्रेस का बोर्ड हम बनाएंगे। वहीं पूर्व ऊर्जा मंत्री व अलवर निकाय चुनाव प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि हाल ही प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में 4 में जनता ने कांग्रेस का बोर्ड बनवाया है। अब अलवर में जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को टिकट देकर 6 की 6 नगर पालिकाओं में कांग्रेस बोर्ड बनाएगी। नगर पालिका चुनावों में सर आपको प्रभारी बनाया गया है, क्या मापदंड रहेगा टिकट वितरण का? 6 नगर पालिकाओं में चुनाव है, जैसे कि पुराने रिकॉर्ड देखे आपने, हमारे 4 मेयर जोधपुर, जयपुर और कोटा में 4 मेयर कांग्रेस के बने हैं और नीचे पूर्व में भी अलवर में, अलवर, भिवाड़ी और 3 जगह आपका जहाँ बीजेपी का बोर्ड था कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। तो 6 जगह निश्चित रूप से कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है नगर पालिकाओं में। हम सबकी सर्वसम्मति से माननीय विधायक हैं जो प्रभारी हैं, हम सबकी सर्वसम्मति से टिकट देंगे और नाराजगी अधिकतर है नहीं। लोग अपने आप समझ रहे हैं कि कौन पावरफुल कैंडिडेट है, उस पर निर्णय हो जाएगा। पुणे 26 को आ रहे हैं, ये सब शॉर्ट आउट है।